ओडिशा, जिसमें स्थित 30 जिलाएं हैं। उनमें से एक जिला खोर्धा है। इस जिले में बरुनेई पहाड़ी है। ये वही पहाड़ी है जहां पाइका विद्रोह हुआ था। हाल ही में इसे फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी कहा गया है। ये लड़ाई पाइका जनजातियों के द्वारा लड़ा गया था और इस लड़ाई के सरदार थे जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरपर राय उर्फ बक्सी जगबंधु। बाणपुर, खोर्धा, पिपली और पुरी जैसे इलाकों से अंग्रेजों को मार खदेड़ा। असलियत में यहाँ लड़ाई दो बार लड़ी गई थी, पहला 1804 में और दूसरा जो विशाल रूप लिया 1817 में। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी पे यहाँ गजपति राजवंश राज करते थे। समय के साथ भोई राजवंश ताकतवर बने और लगभग सन 1600 से उन्होंने राज किया। महाप्रभु जगन्नाथ और मंदिर के संरक्षक भोई राजवंश करते थे, इसलिए उन्हें मान सम्मान भी मिलता था। सन 1592 में उड़ीसा मुगलों के अधीन हुआ। तब से पूरी बंगाल नवाब के उपभवन पर घोषित हुआ। मराठाओं की जीत से बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को नागपुर की भोसले से संधि करनी पड़ी और उड़ीसा पे भगवा लहराया गया। समय बीतता गया और 1803 पे दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देवगांव संधि के तहत कटक और पुरी हासिल की। इसी युद्ध के दौरान पुरी के स्थानीय राजा थे मुकुंद देव। राजा मुकुंद के दो हाथ थे, एक जो दीवान थे और राजा के पर्सनल एडवाइजर जयकृष्ण महापात्र, जिन्हें लोग जय राजगुरु बुलाते थे, और दूसरा चीफ कमांडर ऑफ आर्मी बक्सी जगबंधु। इन दोनों ने दो लड़ाई की नेतृत्व की, जय राजगुरु 1804 में और बक्सी जगबंधु 1817। में अंग्रेजों ने कटक पे मराठाओं की किले पर आक्रमण करने के लिए अनुमति मांगी, बदले में धन संपत्ति की लालच दिखाई। जय राजगुरु के मना करने के बावजूद राजा मुकुंद अंग्रेजों को मंजूरी दे दी। युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई, पर हमेशा की तरह अंग्रेजों ने अपने वादा से मुकर गए। हताश होकर जय राजगुरु ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को जीतने की ठानी। 22 नवंबर 1804 में उन्होंने पिपली पे आक्रमण की और अंग्रेज सैनिकों को घायल किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज कंपनी खोर्धा किले पर प्रतिकार किया और राजा मुकुंद एवं जय राजगुरु को गिरफ्तार किया। राजा मुकुंद को पुरी में एनुअल पेंशन के तहत हाउस अरेस्ट किया गया और जय राजगुरु को पश्चिम बंगाल में स्थित मिदनापुर किले पर बंदी बनाया गया। अंत तक राजगुरु नहीं माने, उन्हें बरकत के दो शाखाओं पर उल्टा लटकाया, फिर शाखाएं छोड़ दिए गए। जय राजगुरु की जिंदा शरीर मातृभूमि के नाम पे दो टुकड़े हो गए। तो कौन थे पाइका, क्यों इतने जटिल थे अपने मातृभूमि के स्वतंत्रता को लेकर?
पाई का शब्द पदतिका से आता है, यानी फुट सोल्जर, जो खाली पैर चलते हैं। उन्हें राजा किराया मुक्त जमीन देते थे जिस पे वो खेती करते थे। बदले में पाई का राज्य की रक्षा करते थे। जब 1803 में खोरदा ब्रिटिश के अधीन हुआ, सब सोचे अच्छा अनुशासन आएगा, पर सबके आशाओं पर पानी फेर गया। ब्रिटिश कर्मचारी मेजर फ्लेचर ने परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमीन पर टैक्स बढ़ा दी और साथ में सनसेट लॉ भी लगा दिया, यानी सूर्यास्त तक अगर टैक्स जमा नहीं किए गए तो जमीन हड़प ली जाएगी। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। इस परिस्थिति की उल्लेख स्वयं एजी टॉइनबी अपने किताब अ स्केच ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओडिशा में भी व्यक्त किया है। जमीन पर टैक्स बढ़ाना, जय राजगुरु की खौफनाक मौत, राजा की घरबंदी और नमक बनाने के लिए लाइसेंस लगाने पर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। खोरदा लोगों के इस आक्रोश पर और घुमसार पे हताश खोंड की सहारा लेते हुए बख्शी जगह बंधु सन 1817 में युद्ध का ऐलान किया। मार्च 1817 खुर्दा के पाइका और घुमुसा के खोंड जनजाति बाणपुर पर चढ़ाई की। बाणपुर पे कंपनी के सारी दफ्तरें और पुलिस स्टेशन को नष्ट किया एवं ट्रेजरीज को लूट लिए गए। इस हादसे में ब्रिटिश सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा और लेफ्टिनेंट कमांडर पेरिस की मौत हुई। बारह अप्रैल 1817 में ये विद्रोहियों पूरी पहुँचे अपने राजा को घरबंदी से मुक्त करवाने। यहाँ भी इनकी जीत हासिल हुई। इनके जीत पे आत्मविश्वास देते हुए पूजंग और कनिको के राजाओं ने लड़ाई में इनके साथ दिया। देखते ही देखते ये लड़ाई नागरिक विद्रोह बन गया। भारी मात्रा में बंगाल से रीएनफोर्समेंट मंगाना पड़ा अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने 4 महीने बाद अपने हुकूमत बहाल किए और अक्टूबर 1817 को ये विद्रोह समाप्त हुआ। पर बख्शी जगबंधु और उनके कुछ साथी कृष्णचंद्र ब्रह्मोत्तर राय, गोपाल छोट राय और पिंड के बाहुबलेंद्र जंगल में छिप कर 8 साल गोरिल्ला रणनीति अपनाया। कई प्रयासों के बाद अंग्रेजों के हाथ ये तीन पकड़ा गए। कृष्ण राय और गोपाल को फांसी की सजा हुई, पर बाहुबलेंद्र वहां से भाग गए। कंपनी ने उन पर 1000 रुपये का इनाम रखा। पैसे के लालच में आकर मालापड़क में स्थित बचपन का दोस्त ध्रुव हरिचंदन रात्रि भोजन में नशा दे दिया। बाहुबलेंद्र को जब तक होश आया वो कटक में स्थित बारबाटी किले में कैद हो चुके थे। ये वीर पुत्र यहाँ भी ना रुका। कटजोड़ी नदी को तैरते हुए वहाँ से भी भाग निकला। अंततः बारंगा में कंपनी चारों ओर से घेर के गोली मार दी। यह सब के बाद बख्शी जगबंधु टूट गए और सन 1825 में आत्मसमर्पण किया। उन्हें कटक में होम अरेस्ट किया गया और 1829 में उन्होंने देह त्याग किया। उनका स्वतंत्रता का सपना सपना ही रह गया।
तो इस विद्रोह का व्यक्तिगत क्या था? क्या यह सिर्फ सैन्य तख्तापलट का विद्रोह था? नहीं, यह उससे भी बढ़कर नागरिक विद्रोह था, जिसमें पाइका के साथ आदिवासियों ने, किसानों ने, किराए एकत्र करने वाले, स्थानीय नमक उत्पादक सबका वरदान था। अंग्रेजों को पता नहीं था कि हम हिंदुस्तानियों को अपने पुरखों की जमीन से कितना भावनात्मक लगाव था, है और हमेशा रहेगा। लोगों की अपनी गहरी समझ, अपना इलाका, अपना क्षेत्र, अपना सामाजिक परंपरा की मान और सम्मान के लिए ही इस विद्रोह में भाग लिया था। बक्सी जगबंधु, मीर हैदर अली, दीनबंधु सामंतराय महापात्र, दामसबुद्धि मंगराज, सामंत माधव चंद्र राउतराय, पिंडी के भाव बलेंद्र, कृतिबास पटसानी। दर्शकों, इन महापुरुषों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। That's all from my side. I am Swastik Samantaraj signing off. जय जगन्नाथ। Bye.